हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट टू अकाउंट्स के लिए देखते हैं. फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. तो यहाँ पर हम शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे. इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंपनी, शेयर्स और उसके मीनिंग, नेचर, टाइप्स कितने हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो कैसे इशू करते हैं, उसके स्टेप्स कैसे, सब्सक्रिप्शन होता है, आईपीओ एंड एफपीओ के बारे में बताएंगे, मेथड्स कौन कौन से मेथड है जिससे शेयर इशू होते हैं कंपनी के थ्रू, और ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं. सो दैट ऑल इन्फॉर्मेशन वी हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर. तो शेयर का मतलब होता है कि हिस्सा. जब कंपनी जो है वो बड़ा फॉर्म होता है एज कम्पेयर टू द सोल प्रोप्रेटरशिप एंड पार्टनरशिप, तो ये बड़ा फॉर्म है तो कैपिटल ज़्यादा होता है. तो कैपिटल जब ज़्यादा होता है तो वो एक पर्सन नहीं अफोर्ड कर पाता है. तो एक से ज़्यादा पर्सन अगर कैपिटल लेकर आते हैं तो वो बनता है शेयर. ओके, तो जिसको कहते हैं हिस्सा, कंपनी के हिस्सेदार होते हैं. तो बहुत सारे हिस्सेदार जब मिलते हैं तब कंपनी फॉर्म होता है, और वो जो शेयर है उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है उनको एज अ रिटर्न. तो शेयर के ऊपर प्रॉफिट करते हैं बिजनेस, तो उसमें से जो भी पार्ट होता है वो डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर को मिलता है, और जो शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं. तो ये जो आपका 11th स्टैंडर्ड में प्राइमरी स्टेज पर इंफॉर्मेशन पता ही है. नाउ यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट देखते हैं. कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बाय लॉ. तो इनकॉर्पोरेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एक्ट प्रोविजंस जो है वो कंपनी एक्ट के थ्रू ही एग्जिस्टेंस होता है. तो फर्स्ट टाइम अ सेपरेट एक्ट फॉर कंपनी वॉज मेड इन 1956, और उसको कहा गया है कंपनीज एक्ट 1956. ओके, तो कंपनीज एक्ट 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था. तो इसके बारे में है टाइप्स ऑफ कंपनी. यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज है. फर्स्ट इज अ स्टैट्यूटरी कंपनीज और अ कॉरपोरेशन. तो यहाँ पर एग्जांपल आप यू ऑल आर अवेयर अबाउट LIC, जिसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, GSFC जिसको कहते हैं, गुजरात स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन. तो ये जो सब है वो कंपनी है पर वो कॉरपोरेशंस भी कहलाती है. सेकेंड इज ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी. स्टेचुटरी कंपनी है उसका मतलब ये होता है कि वो अकॉर्डिंग टू द लॉ एग्जिस्ट हुआ है, और रजिस्टर्ड कंपनी मीन्स इंडिया के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, तो उसको कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी. तो यहाँ पर दो टाइप के रजिस्टर्ड कंपनी है. फर्स्ट इज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड अनदर इज ऑफ अ पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी के पीछे जो है वो PVT LTD लगते हैं, दैट इज़ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है. और जो पब्लिक कंपनी है उसके पीछे नाम होता है, उसके पीछे लिमिटेड वर्ड यूज़ होता है. तो यहाँ पर दोनों के एग्जाम्पल दिए गए हैं. यू कैन हैव द बेटर आइडिया विद नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड. ओके, प्राइवेट लिमिटेड से पंचविला कॉटन प्राइवेट लिमिटेड, एपेक्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड. ओके, तो ये जो है प्राइवेट लिमिटेड, तो नाम होता है कंपनी का, उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड कर दिया जाता है. सो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, तो वो प्राइवेट कंपनी है ऐसा मान लिया जाता है. और उसमें 1% कंपनी इज ऑल्सो बी द कंपनी, एक ही पर्सन जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, सारे शेयर उसी के नाम पर होते हैं. सो दैट इज़ OPC कहलाता है, 1% कंपनी. ओके, देन पब्लिक कंपनी.
पब्लिक कंपनी के अंदर होता है, प्राइवेट कंपनी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, और पब्लिक कंपनी जो है उसके अंदर एटलीस्ट 7 मेंबर होते हैं, मिनिमम अनलिमिटेड मेंबर होते हैं, और नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड होता है। कर्णावती टेक्सटाइल लिमिटेड, इंफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, तो ये लिमिटेड है मीन्स पब्लिक सेक्टर हैव हैंडेड ओवर दैट। नाउ नेक्स्ट जो है हमारे मेंबर्स लायबिलिटी ऑफ द मेंबर एंड द कंपनी आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग टू तीन टाइप्स है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटीज। जिम्मेदारियां अनलिमिटेड हो जाती है। पहले तो देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज मीन्स शेयर होल्डर जितने होते हैं उनके तक की ही जिम्मेदारी होती है, उससे ज़्यादा नहीं। सपोज एक शेयर हमने खरीदा है 100 रुपये में, 1 share 100 rupees, तो उसकी जो फेस वैल्यू है उतने तक की ही लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा नहीं, 100 रुपये तक की ही जिम्मेदारी होती है। जब अगर कंपनी डेप्ट करती है, देवा में चली जाती है, तो दैट टू ओनली 100 rupees हैव टू बी अफोर्ड फॉर दैट। तो ये लिमिटेड बाय शेयर हुआ। लिमिटेड बाय गारंटी, इसके अंदर जो भी गारंटी के तौर पर जो भी दिया गया है वो अमाउंट दैट हैव टू मेक इट श्योर। तो यूजुअली सच कंपनीज आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती है, जैसे कि आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चरल वेलफेयर एट्सेट्रा। और एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ओके, तो दैट इज़ फॉर द स्पोर्ट्स रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है कंपनी बाय लिमिटेड लायबिलिटीज, जो कंपनी है उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज मीन्स जो भी डेप्ट पूरा पूरा शेयर होल्डर को पे करना होता है, पर जनरली हमारे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं पाया जाता है, बिकॉज शेयर होल्डर्स हैव देयर लिमिटेड लायबिलिटीज, दे आर प्रेफरिंग दैट थिंग। तो जब ये होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है, तब शेयर होल्डर डेप्ट को पे करने के लिए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेचकर क्रेडिटर्स को पेमेंट करना रहता है, ओके। सो दैट इज द अनलिमिटेड लायबिलिटीज, यहाँ पर टाइप्स दिए गए हैं। यू कैन हैव द बेटर आइडिया विद दिस फॉर्मेट, टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन एस्टेब्लिशमेंट एंड बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन। बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन में है लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, उसके अंदर लायबिलिटीज में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटीज। देन उसके अंदर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के अंदर है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1 person कंपनी, ओके। तो ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट है शेयर एंड शेयर कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड द शेयर कैपिटल। कंपनी का जो भी कैपिटल होता है उसको कहते हैं शेयर कैपिटल, ओके। दो टाइप के कंपनी होते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड होता है, प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड होता है, और उनकी जो भी कैपिटल लाते हैं उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। एंड ईच सच यूनिट ऑफ द डेमोमिनेशन इज नोन एज शेयर। तो छोटे छोटे हिस्से में पार्ट कर दिए जाते हैं कंपनी के, और वो हिस्से को सेल किया जाता है, तो छोटे छोटे हिस्से हैं उसको कहते हैं शेयर। तो जब कंपनी को अपना पैसा बढ़ाना होता है, ज़्यादा पैसे लाने होते हैं, मशीनरी लाना रहता है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, तब कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैपिटल शेयर्स के थ्रू मंगवा सकते हैं, ओके। तो जो शेयर परचेज करते हैं वो मेंबर बनते हैं कंपनी के, और मेंबर को कहते हैं शेयर होल्डर, ओके।
जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं उसको कहते हैं शेयर होल्डर या फिर मेंबर ऑफ द कंपनी, और लंबे समय तक वो मेंबर रहते हैं और कंपनी के ओनर कहलाते हैं। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी और शेयर इज़ द असेट फॉर द बिजनेस। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, यहाँ पर दो टाइप के शेयर्स हैं, आपने पढ़े होंगे, टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड पे करने का प्रायोरिटी होता है प्रेफरेंस शेयर को, और दूसरे है इक्विटी शेयर, मीन्स जो भी लास्ट में प्रॉफिट में से बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। जैसे कि प्रॉफिट हुआ बिजनेस में तो पहले लोन का इंटरेस्ट पे करेंगे, क्रेडिटर्स को पैसे देंगे, फिर बाकी का बचता है तो दूसरी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंसेस वो पे करेंगे, देन आफ्टरवर्ड्स जो भी बचता है डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट पे करते हैं, उसके बाद बचता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, और लास्ट में जब पैसे बचते हैं प्रॉफिट में से तब इक्विटी शेयर होल्डर को वो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जितना भी प्रॉफिट बचता है, ज़्यादा बचे या कम बचे, दैट हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके अंदर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर देयर, दैट इज क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, मीन्स प्रायोरिटी टू पे डिविडेंड, कंपनी को प्रायोरिटी देनी चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करें। डिविडेंड क्या है? उसका रिटर्न होता है, क्योंकि बिजनेसमैन ने पैसे लिए हैं, कंपनी ने शेयर होल्डर के पास से पैसे लिए हैं तो उसके यूज़ कर रहा है, और यूज़ करने पर जो भी फ़ायदा होता है उसमें से उसका हिस्सा देना पड़ता है। ओके, जैसे हम बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ इन्वेस्टर, तो हमें बैंक इंटरेस्ट देती है, तो वैसे ही शेयर होल्डर जब कहीं पर कोई भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। ओके, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इफ एनी ईयर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज नॉट पेड ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट, सच एरियर्स ऑफ डिविडेंड शैल बी पेड टुगेदर विथ करंट ईयर डिविडेंड इन द ईयर व्हेन देयर इज अ सफिशिएंट प्रॉफिट। ओके, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि जब प्रॉफिट नहीं होता है तो उस टाइम पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, पर जब जो साल में प्रॉफिट होता है तो वो साल में जो नहीं मिला है उसका डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होता है, और जो साल का है वो साल का भी डिविडेंड। ओके, तो दैट हैव टू बी मेड इट अवेल, तो शेयर होल्डर को ये मिलना ही चाहिए। ओके, जैसे कि 12% शेयर्स, तो 12% जब डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है तो 12% उसको मिलना ही चाहिए। ओके, तो दैट हैव टू बी नॉट सफिशिएंट प्रॉफिट इज देयर, तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा, तो उसको नेक्स्ट ईयर मिलेगा ही मिलेगा। जब जब प्रॉफिट सफिशिएंट होता है तब वो सारे पैसे टुगेदर मिलते ही है। सो दैट इज अबाउट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उसको एरियर्स कहते हैं, जो भी बाकी बचता है कंपनी के पास से पैसा लेना, सो दैट इज एरियर्स के तौर पर मिलता है, और नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर एरियर्स के तौर पर नहीं मिलता है। ओके, देन रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज टू बी पेड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड। ओके, जैसे कि 15 साल, 20 साल, वो टाइम पीरियड दिया गया है, उस टाइम पीरियड में वो नोटिस देकर शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दैट हैव टू बी एंडेड। उसको पेमेंट दे देना पड़ता है, सच शेयर्स आर कॉल्ड द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो ये लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद
उसका रीपेमेंट कर देना पड़ता है, तो वो कहलाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ओके, स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि 15 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं, तो 15 साल के बाद कंपनी उस पर्सन को वापस पैसे दे देगी, जितने भी शेयर्स खरीदे हैं उतने पैसे। ओके, और इररिडीमेबल के अंदर है जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, कंपनी बंद होती है, तभी उसके पैसे मिलते हैं, बीच में कहीं नहीं मिलते हैं, उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। लिक्विडेशन का मतलब है कि कंपनी बंद हो जाती है तब। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के अंदर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है और राइट होता है प्रॉफिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन में, स्पेसिफिक डिविडेंड के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर का जितना भी प्रॉफिट है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। देन कंपनी के अंदर जो भी डिसीजंस होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों के इक्वल समान माने जाते हैं, तो दैट हैव टू बी मेड इक्वल, पेइंग द कैपिटल अमाउंट ऑफ बोथ प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स दोनों को। सरप्लस बचता है तो वो बाकी का सरप्लस है वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी मिलता है। दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर कॉल्ड द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के अंदर गेट ओनली अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, और नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। जो बाकी का बचता है वो प्रॉफिट के अंदर भी कोई राइट नहीं है, नहीं मिलता है कुछ भी। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल मीन्स आफ्टर सम टाइम पीरियड वो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर के अंदर। प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं पर प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो पार्टली और फुल्ली कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर के अंदर, तो वो कहलाते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। और नॉन कन्वर्टिबल के अंदर वो नहीं कन्वर्ट होते हैं। ओके, सो दैट इज़ अ नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये थे प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंसेस और प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स थे। नाउ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर और उसको दूसरा नाम देते हैं ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर जो है वो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, वो कहलाते हैं इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर होल्डर को राइट होता है वोटिंग का। जब कंपनी का रूल होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग बुलवाते हैं और वो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर हर एक शेयर होल्डर को इनवाइट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने के लिए वोटिंग करना पड़ेगा। तो ये जो शेयर होल्डर होता है इक्विटी शेयर होल्डर, उनको वोटिंग राइट मिलता है और अपने सुझाव है वो रख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो अपने सुझाव रखते हैं और जो मेजोरिटी है उससे वो पास आउट होता है। ओके, सो दैट फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद द वोटिंग। वोटिंग से वो सॉल्व होता है। प्रॉब्लम्स के आंसर्स तो होते हैं पर विद द वोटिंग ओनली मेजोरिटी कैन बी सक्सेसफुल टू दैट। कंपनी जो है वो डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को, वो भी लास्ट में। और जब जो ईयर में प्रॉफिट होता है उसी ईयर का उसको डिविडेंड मिलता है, जो ईयर में नहीं होता है वहाँ पर नहीं मिलता है। ओके, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन सबसे लास्ट में इसको रीपेमेंट मिलता है। अगर बचता है पैसा तो ही उसको मिलता है, बाकी नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर इज नोन एज द प्रिंसिपल शेयर कैपिटल। मेन शेयर कैपिटल कहलाती है इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, तो ये था इक्विटी शेयर के बारे में। और इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो ट्रू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, और उसकी वैल्यू जो होती है इक्विटी शेयर की, मिनिमम फेस वैल्यू इज ऑफ 1 रुपी। 1 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं,
प्रेजेंट सिनेरियो में फेस वैल्यू जो होता है 1, 10, और 100 भी होते हैं. ओके, सो दैट इज़ अबाउट प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का डिफरेंस है. यहाँ पर डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर रेट्स जो होते हैं, डिविडेंड के रेट्स फिक्स होते हैं, और इक्विटी शेयर के अंदर डिविडेंड्स के रेट फिक्स नहीं होते हैं. एरियर्स ऑफ डिविडेंड मीन्स जो ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है और डिविडेंड अराइज हुआ है तो वो कहलाता है एरियर्स, तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है और पेमेंट उसका मिलता ही है. ओके, पर यहाँ पर जो ईयर में प्रॉफिट होता है उसी ईयर में उनको डिविडेंड मिलेगा, बाकी एरियर्स नहीं मिलता है. देन प्रेफरेंशियल राइट. प्रेफरेंशियल राइट मीन्स प्रायोरिटी किस में है, दैट इज़ अ डिविडेंड फॉर द एनी डिविडेंड पेड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में पेमेंट मिलता है. डिविडेंड का जो भी हिस्सा मिलता है वो लास्ट में मिलता है. देन प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट. पेमेंट जब होता है कैपिटल का पेमेंट, तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले राइट मिलता है. मीन्स जो भी अमाउंट है, पैसे जो है वो इन्वेस्ट किए कंपनी के अंदर, वो पहले लेते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में पेमेंट मिलता है. जब सारा डेब्ट पेमेंट हो जाता है देन ओनली लास्ट इक्विटी शेयर होल्डर इज़ गेटिंग देयर कैपिटल बैक, और वो भी लिक्विडेशन में जब बिजनेस जाता है तभी मिलता है. नेक्स्ट है वोटिंग राइट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, पर इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट है. मीन्स अपने सुझाव रख सकते हैं, या फिर कोई इलेक्ट करना है रिप्रेजेंटेटिव उसको इलेक्ट भी कर सकते हैं, तो वोटिंग पर शेयर होता है. देन राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के अंदर बिजनेस को होल्ड करना है तो उसके अंदर भी वो बन सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर. सो दे डू नॉट हैव डिविडेंड, जैसे उनको जब प्रॉफिट मिलता है तो फिक्स होता है डिविडेंड उनका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, तो वैसे ही उनको मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है. देयर इज़ नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि उनके रेट्स फिक्स होते हैं, उनके रिटर्न फिक्स होते हैं, उनने वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. पर इक्विटी शेयर होल्डर आर द ट्रू ओनर ऑफ द बिजनेस, तो उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर डिफरेंस ख़त्म होते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम टाइप्स ऑफ कैपिटल में जाएंगे. टिल दैट थैंक यू.